दोस्तों आज है 9 अक्टूबर 2022 और आज घर पे हम लोग बहुत धूमधाम से मनाने वाले हैं लक्ष्मी पूजा। इयर्स ओल्ड मूर्ति है लक्ष्मी और नारायण जी की, पीतल की मूर्ति है। साथ में आपको लक्ष्मी माँ का एक सिंगल फोटो दिख रहा होगा, साथ में धान है। तो आज साथ मिलके पूजा की तैयारी करेंगे और पूजा करेंगे। हेलो दोस्तों, आज है लक्ष्मी पूजा और आप देख ही सक रहे हो कि तैयारी कर रही है मेरी चाची, साथ में मेरी मम्मी भी है और मेरी नेफ्यू। तो कुछ कहना चाहोगे सबको? तो आप सबको लक्ष्मी पूजा की ढेर सारी बधाई दोस्तों। आज आप ब्लॉग आप पूरा जरूर देखिए और हमारे साथ लक्ष्मी माँ की आराधना करें। ये है रंगोली, या आप बोल सकते हो अल्पोना। इसे बनाया जाता है चावल के पेस्ट से और अभी लक्ष्मी माँ की जो फीट है वो बनाई जा रही है। बहुत ही शुभ माना जाता है और स्पेशल ओकेशंस में मनाया जाता है। नारियल को श्रेड किया जा रहा है और ये मेरी मम्मी है, तो नारियल का हम लोग पीठा या पेड़ा बोल सकते हो वो बनाने वाले हैं। पूजा के लिए अलग से चूल्हा है, तो ये वेज चूल्हा है, तो इसमें पूजा का भोग बनाया जाएगा। साथ में पूजा की बाकी सामग्री है, मैं आपको एक एक करके दिखाने वाली हूँ। पूजा हम लोग शाम को करने, तो अभी हम लोग पंच प्रदीप रेडी करके रख दिए हैं, साथ में अगरबत्ती और दिया की भी ज़रूरत पड़ेगी। सिंदूर, घी, कोरपूर, गंगा जल, लक्ष्मी माँ को बेलपत्ता भी बहुत ज़्यादा पसंद है और साथ में फ्लावर्स, तो आप उनको विभिन्न रकम के फ्लावर्स चढ़ा सकते हो। पूजा के भोग के लिए खीर बनाया जाएगा दोस्तों। खीर के अंदर चीनी जा रही है, खूब सारी चीनी, चावल पहले ही डल गया था दोस्तों। पायसम ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है दोस्तों। गुड़ से ये मिठाई बनाई जाएगी, इसमें खोई डाला जा रहा है और ये खोई और गुड़ से ही बनता है सिर्फ, बहुत आसान तरीका है। आज के ब्लॉग में आप देख सकते हो कि लक्ष्मी पूजा बंगाली के घर में कैसे बनाई जाती है। सूजी का हलवा बनाया जाएगा दोस्तों, सबसे मेन इंग्रेडिएंट सूजी है। सूजी को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, साथ में अभी घी डालने की कोशिश की जा रही है, तो जुगाड़ू टेक्निक हम लोगों ने अप्लाई किया है, घी अंदर जम गया था इसलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सूजी का हलवा हमारा ऑलमोस्ट बन के रेडी है। मम्मी और चाची मिलके पूजा की पूरी तैयारी कर रहे हैं और अभी चावल का भोग चढ़ाया जा रहा है भगवान को। लक्ष्मी माँ को मीठा और खट्टा खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ये सारे फ्रूट्स हैं माँ को चढ़ाया जाएगा। ये रेड कलर का चेरी है, डेट्स है, इसे हम लोग खजूर भी बोलते हैं हिंदी में, ये है कुकुम्बर, ये है मौसम्बी, ये है वाटरमेलन। वाटरमेलन का कलर देखिए दोस्तों, आपको तो समझ में आ गया होगा क्या सीन है। अगर पूजा के लिए आपके पास इतनी सारी सामग्री नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेलपत्ता और फूल चढ़ाइए और कुछ मीठा सा, भगवान उसमें ही खुश है। श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। लक्ष्मी माँ को खट्टा भी पसंद है, तो अभी हम लोग खट्टा कोई फ्रूट है तो वो चढ़ाएंगे। ये है आपका ग्रेप फ्रूट, इसे बंगाली में जांबूरा बोला जाता है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है। पूजा की सारी सामग्री हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है दोस्तों। सबसे आखिर में हम लोग पूरी को तलने वाले हैं, क्योंकि पूरी बहुत जल्दी टाइट हो जाती है और पूरी को पायसम या हम लोग सूजी का हलवा के साथ माँ को भोग में चढ़ाएंगे। घर में जितनी भी पूजाएँ होती है वो मेरी चाची और मम्मी मिलके करती है और सारे नियम मम्मी और चाची ने दादी से ही सीखा है। अभी पूरी को तला जा रहा है दोस्तों, तो मज़ा आ रहा है देखने में। घर का जो द्वार होता है या आप बोल सकते हो मेन एंट्रेंस, उधर लक्ष्मी माँ का फीट ड्रॉ किया जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। शाम के 6 बज के माँ की आरती की जा रही है दोस्तों। ऐसा माना जाता है जिस घर में लक्ष्मी माँ का पूजा किया जाता है उस घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं रहती है, गुड फॉर्चून बनी रहती है, प्रोस्पेरिटी रहती है और ऑब्वियसली सुंदरता बनी रहती है। नॉर्मली हम लोग पंडित जी से पूजा करवाते हैं, बट इस साल मेरी चाची स्पेशली पूजा कर रही है। সাথে আছি ধান দুপার পান খাটাতে আসে আমাকে ভগবতী স্থান চালিয়েছি ধূপ তুলা আর কিন্তু
বলিল বাচ্চা সে কথা শুনি ডাকাইল দূতে জগতে সব কথা বলিল তাহাকে বাচ্চা দেশে দূত ঘোষণা করিল পূজা করি দিনে কেহ জানিবে না আলো। दोस्तों पूजा बंगाली नियम में किया जा रहा है और माँ लक्ष्मी का जो पचाली है वो बुक पढ़ा जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।